हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज होने वाला है इशू के स्कूल में एनुअल फंक्शन, तो इनको मैं रेडी करने वाली हूँ, मेकअप वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब आप बच्चों का मेकअप करें तो क्या क्या चीज़ें स्किन पे अप्लाई करें और किस तरीके से कम प्रोडक्ट्स के साथ में उनको परफेक्ट मेकअप लुक करके दे। तो ये ड्रेस इनके स्कूल में ये वेयर करना है, तो पहले जो भी ड्रेस हो उसको वेयर करा दें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो ये मैंने जो है यहाँ पे वेट टिश्यू लिया हुआ फेस को क्लीन करने के लिए। उसके बाद में मैं यूज़ करने वाली हूँ टोनर, तो ये एम कैफिन का यूज़ करने वाली, इसमें सीरम और टोनर दोनों मिक्स है, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लेंगे और इस तरीके से पूरे फेस पे लगाएंगे ताकि स्किन अच्छी हाइड्रेट रहे। सीरम और टोनर कभी भी हार्म नहीं करता, चाहे आप किसी को भी अप्लाई करें, और ये एज के अकॉर्डिंग वाला नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इसे किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एज ग्रुप के हिसाब से जो मिलते हैं वो यूज़ नहीं करने आपको। इसके बाद अब अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये जॉनसन्स बेबी मॉइस्चराइजर, बहुत ही बढ़िया है, तो ये स्किन को खूब अच्छे से हाइड्रेट करेगा ताकि हम इसके ऊपर जो भी बेस बनाएंगे ना वो बहुत अच्छे से रेडी होगा। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ क्योंकि अभी विंटर टाइम है। तो कोई भी फाउंडेशन या बेस अप्लाई करने के पहले प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का। तो ये क्या है, स्किन पे अच्छी प्रोटेक्शन लेयर रेडी कर देगा, तो जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ना वो पोर्स में नहीं जाएगा, स्किन पूरी तरीके से सेफ रहेगी। प्राइमर अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आई थिंक 1 से 1.5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसके ऊपर बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी अभी ऐसे ही। तो जब भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आप बेस बनाए ना, तो आप कोशिश करें कि डर्मा पैलेट यूज़ करें। होता क्या, बच्चे डांस करते हैं तो कोई भी मौसम रहे बट एकदम जो है पसीना आने ही लगता है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, स्टे करेगा फेस में। तो मैं यहाँ पे DFD एंड D64 दो से एड यूज़ करने वाली हूँ मिला के, इसको डायरेक्ट इस तरीके से फिंगर की हेल्प से बहुत हल्का सा बेस बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आइस क्लोज करो बेटा, आइस ओपन। तो आप देख सकते हैं फिंगर की हेल्प से डैब डैब करते हुए इसको लगा रही हूँ, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े में ही बहुत अच्छी कवरेज दे देता है। बच्चों का कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मत अप्लाई करें, वैसे तो ये बड़ों पर भी बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसको जो है आप फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्रश का भी हेल्प ले सकते हैं। मैं जो फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल ब्रश है, बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ इसके ब्रिशल्स होते हैं। अगर आप स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लेते हो ना मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करके, तो ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें ड्यूरालाइन ही डालोगे तभी ये मिक्स होगा, नहीं। अब जैसे इशू का आज परफॉर्मेंस है तो पता नहीं कितने टाइम के बाद में इनका डांस हो, क्योंकि 15 या 16 नंबर पर डांस होने वाला है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो बेस मैं बना रही हूँ बहुत ही सेटल रहने वाला है, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं ये हटेगा, चाहे कितना भी ये हाथ लगाए या कुछ भी करे। देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी में कितना अच्छे से ये बेस बनकर रेडी हो गया। ब्रश के बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ ताकि एकदम स्मूथ लगे स्किन, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। नायका का ब्लेंडर यूज़ की हूँ मैं, तो ये हो गया कम्प्लीट। उसके बाद में अब हम आई मेकअप करेंगे, तो आई मेकअप के लिए मैं जो है ब्राउन शेड पिक की हूँ, और एक पतली पेंसिल ब्रश का यूज़ करेंगे क्योंकि बच्चों का आईज पोर्शन स्मॉल होता है, तो क्रीज लाइन को डिफाइन करने के साथ साथ मैं पूरी आईज एरिया पे इसी ब्रश का भी यूज़ करने वाली हूँ। ब्राउन शेड बहुत अच्छा लगता है चाहे किसी के भी ऊपर हो। पैलेट में यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैट्रिसिया ब्राइट, बहुत ही अमेजिंग पैलेट है, अगर आपको अपने पार्लर के लिए लेना है या फिर अगर आपको मेकअप का बहुत शौक है
और आप अच्छी पैलेट की तलाश में हैं तो आप ये वाला बाय कर सकते हैं। कॉस्टली है बट बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल भी इसके जो कलर्स हैं ना फॉल आउट नहीं होते, पूरा आप आई मेकअप कंप्लीट कर लें और देखिए ना तो ये ऐसा पलकों पे झड़ के आएगा ना ही नीचे गिरेगा, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैं इस कई सालों से ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास में मेकअप रेवोल्यूशन की दो तीन पैलेट हैं जो अलग अलग हैं। उसके बाद में एक दूसरा ब्रश यूज़ करी और उससे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँ। ये जो ब्रश मैं यूज़ करी हूँ ये लंडन प्राइम की ब्रश है, अगर आपको अपने लिए या पार्लर के लिए चाहिए तो आप ज़रूर इसको लें। कॉस्टली हैं लेकिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो देखिए अभी जो है आईज काफ़ी सिंपल लग रही हैं। अब डांस परफॉर्मेंस है, लाइटिंग वहाँ पे रहेगी, तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम सिमर शेड यूज़ करेंगे। तो एक दूसरी पैलेट से मैं सिल्वर शेड पिक कर रही हूँ और बीच जो हमारा आई बॉल है वहाँ पे हम इसको फिंगर की हेल्प से लगाने वाले हैं ताकि आईज थोड़ी सी और सुंदर दिखें। तो फिंगर की हेल्प से इस तरीके से बस लगा देना है दोनों तरफ। और ये डन हो जाएगा। इसके बाद इसको हम फिर से ब्लेंड करते हुए मर्ज कर लेंगे। मैं आपको सच बताऊं, इशू डांस करके घर भी आ गई तब भी इसका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लाइनर अप्लाई कर देंगे। तो मैं पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मीडियम सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम थिक लाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मोटा सा लाइनर। उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसको बस ये रहता है जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, ये बिल्कुल भी मेकअप कराने के टाइम पे ज़्यादा बैठ नहीं सकती और इस टाइम की बहुत पंक्चुअल है। अगर आप इसको बोलोगे 1 बजे आना तो ये 1 बजने के 10-15 मिनट पहले पहुंचना पसंद करती, बहुत जल्दी। उसके बाद काजल अप्लाई करना है, तो मैं मामाअर्थ का काजल यूज़ कर रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ की हूँ नाम के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ। काजल वगैरह जब भी आप यूज़ करें अच्छे ब्रांड का यूज़ करें ताकि बिल्कुल भी बच्चे को ईचिंग वगैरह ना हो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ब्राउन शेड लेके काजल के साथ में इसको हम मिक्स करते हुए अप्लाई कर देंगे तो आईज और भी सुंदर लगेंगी। और ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम मेकअप को सेट कर लेंगे। तो ये मेकअप फिक्सर मैं यूज़ करी हूँ मैक का, बहुत अच्छा है। हल्का सा स्प्रे कर दो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में ब्लश अप्लाई करेंगे। तो ब्लश को मैं जो है मेकअप फिक्स करने के बाद अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा सेटल लगे। शुगर का ब्लशर यूज़ करी हूँ, 02 नेचुरल शेड है। और देखिए इशू का पाउट बनाने का तरीका पता सब कुछ है बट ज़्यादा देर बैठ के मेकअप नहीं करवा सकती, उसको बस जल्दी जल्दी रहता है कि फटाफट करो मुझे जाना है। अब ये डन हो गया। उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी पाउडरिंग नहीं किया हुआ था तो फिर हल्का सा मैं यहाँ पे बनाना पाउडर यूज़ करी हूँ। ब्लश के ऊपर अप्लाई नहीं की, बस हल्का हल्का सा नीचे नीचे। लिपस्टिक इनको खुद से अप्लाई करनी थी तो आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि इशी का लिपस्टिक कैसे लगाती है और बहुत ही परफेक्शन के साथ लगाती है, बिल्कुल आप देखेंगे इधर उधर नहीं फैलाने वाली है। और मैं कलर बार का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करी हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से लगा रहेगा चाहे कितना भी खाए पिए। तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ और ये देखिए डन हो चुका है। तो ये तैयार हो चुकी है कम्प्लीटली। हेयर को मैं सिंपली ऐसे ही प्रेशिंग मशीन चला के स्ट्रेट कर दूंगी स्ट्रेटनर से और हल्का सा ट्विस्ट करके क्लिपिंग कर दूंगी। हाइलाइटर मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन का मेटालिक हाइलाइटर नोज एरिया पे और यहाँ पे चेक बोन्स पे, बस इतना इनफ होगा। और ये कंप्लीट लुक यहाँ पे मैं लगा दी। कैसी लग रही है इशू जरूर बताइएगा कमेंट करके। आईज मेकअप और पूरा फेस देखे कितना प्यारा लग रहा है। सब लोगों ने बहुत पसंद किया, जब इशू स्कूल गई तो सभी बोल रहे थे इशू बहुत प्यारी लग रही है। और सबसे मेन बात कि ये रात को वापस आई थी हम लोग के साथ में डांस कंप्लीट होने के बाद में, फिर भी इसका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था।
तो अभी ये अपना सैंडल वगैरह पहनेंगी। यहाँ पे लास्ट में मैं डांस परफॉर्मेंस की क्लिप थोड़ी सी कट कर करके लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।